हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयशा शादी के बाद पहली रात अपने कमरे में आती है और कमरे की सजावट को देखकर वो हैरान होकर बोलती है, आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और इस कमरे की सजावट देखकर तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, अब जल्दी से वो आ जाए बस। आयशा अपने नए कमरे को निहार ही रही होती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है जो कहती है, आयशा, ओ आयशा, उठ जा बेटी, सुबह के 10 बज गए। इसके बाद आयशा की आंखें खुलती है जो कि अपने कमरे में बेड पर आराम से सो रही होती है। उठने के बाद उसको पता लगता है कि अब तक वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। ऐसे में वो चिढ़ते हुए अपनी माँ से बोलती है, क्या माँ, आज भी आपने मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया। लोग आईएएस और डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन तेरे सपने तो कैसे होते हैं पता ही नहीं है। ना उनके बारे में कभी बताती है, ना मैंने तुझे अपने सपनों के लिए मेहनत करते देखा, पता नहीं क्या क्या देखती रहती है। माँ, आपको बता दिया ना तो कूटने लगोगी आप। आयशा की माँ उसके कमरे से चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ देर में नहा धोकर बाहर नाश्ते की टेबल पर बैठकर कहती है, ओ मम्मी मम्मी, ओ मम्मी, ओ मेरी प्यारी मम्मी। क्या है, क्यों पागल हो जा रही है? अब आपको अपनी बेटी का ख्याल नहीं है तो मुझे ही पागल होना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, अब मेरी वो करने की उम्र हो गई है, सोचा है उस बारे में कभी? किस बारे में, और ढंग से बोल, क्या बोलना चाहती है? मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा जी नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। चुपचाप कॉलेज जा रही है या लगाऊं कान के नीचे एक? आयशा नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद माधुरी उसकी बात के बारे में सोचती है। माधुरी अपने सभी रिश्तेदारों को कॉल करके अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने को कहती है। दूसरी तरफ आयशा कॉलेज पहुंचकर चुपचाप कैंटीन में बैठी होती है, तभी उसके पास उसकी दो दोस्त माला और संजना वहां आकर बोलती हैं, ओए, हम तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे हैं और तू महारानी कैंटीन में बैठी है। हाँ आयशा, और तू यहाँ क्यों आई है? वैसे तो डेली आकर हमसे मिलती रहती है और आज यहाँ अकेली बैठी है। वो सब छोड़ो, बैठो, मुझे ना तुम दोनों से कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा, क्या बात है? आयशा उनको अपने सपने के बारे में बताती है, जिसको सुनकर वो दोनों थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं, लेकिन उसकी बात का जवाब देते हुए संजना बोलती है, यार समझ सकती हूँ, इस उम्र में ऐसी चीजों की एक्साइटमेंट होती ही है, और तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हाँ यार, वैसे तो मुझे भी जानना है कि सुहागरात पर होता क्या है, मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है। सोचा था ये दोनों कुछ बताएंगी, पर ये तो खुद ही पूछने बैठ गई, पता नहीं मेरा यह सपना कब पूरा होगा। आयशा के इस सपने ने तो उसका दिन रात का चैन ही छीन लिया था। उसको अपनी सुहागरात की इतनी ज्यादा जल्दबाजी थी कि अब बस सोते जागते उठते बैठते उसको सुहागरात के ही सपने आया करते थे। ऐसे ही एक सुबह आयशा कमरे में नींद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, हाँ हाँ शुरू करते हैं ना, इसी चीज का तो मैंने कब से इंतजार किया था, अब देर मत लगाओ ना जान, सारी रात ऐसे ही निकाल दोगे क्या, उतारो भी अब। आयशा अपनी नींद में जो भी बड़बड़ाती है वो उसकी माँ माधुरी सुन लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में एक गिलास पानी आयशा के मुँह पर फेंक देती है। पानी की वजह से वो अचानक घबरा कर उठते हुए बोलती है, बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। ये लड़की तो शर्म लिहाज बेच कर खा गई है, अरे शादी का भूत इतना चढ़ा लिया है जो सपने में भी ऐसी गंदी गंदी चीजें देखेगी, बेशरम कहीं की। अब उठ और तैयार हो जा, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या सच में माँ? ओ बल्ले बल्ले, मेरी शादी होगी फिर सुहा। क्या बोली? सुहा हाँ, क्या? अरे मतलब फिर मैं सुहागन होंगी। ठीक है ठीक है, जल्दी तैयार हो जा, शादी की कितनी खुशी है इस लड़की को। कुछ ही देर में ऋतिक नाम का लड़का अपने पिता रखविंदर और माँ बरखा के साथ आयशा के घर उसको देखने आता है। सभी साथ में बैठकर बातें करते हैं। इतने में आयशा हाथों में नाश्ता लेकर बाहर आती है। सभी आयशा को देखने भर से ही पसंद कर लेते हैं, लेकिन इसी बीच ऋतिक बोलता है, क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ बेटा जरूर, आप बताइए भाई साहब, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे नहीं नहीं,
आजकल के बच्चे हैं, एक दूसरे को जाने बिना शादी नहीं करते। हमारे जमाने में तो बिना देखे ही हो जाती थी। पापा, अगर आपका जमाना खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए घर के दूसरे कमरे में आ जाते हैं, जहाँ आयशा एक्साइटेड होकर बोलती है, अच्छा तो आप जल्दी जल्दी पूछो क्या पूछना है, फिर हम जल्दी से शादी करेंगे। अच्छा जी, आपको बहुत जल्दी है शादी की। हाँ, वो क्या है ना, मुझे तो शादी से ज्यादा सुहागरात की जल्दी है। क्या, बहुत आगे की सोच है आपकी। तो क्या हुआ, है तो शादी के बाद की ही, आपको नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अगर बोला तो शादी नहीं होगी। ऐसा करता हूँ, रहने देता हूँ। हेलो मिस्टर ऋतिक, चलो अब बाहर चलते हैं। दोनों बाहर आकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार वाले धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। शादी की रात आयशा कमरे में ऋतिक का इंतजार करते हुए बोलती है, आज सच में ये दिन आ गया है ना, कोई सपना तो नहीं है ना यार, अब तो मेरी इतने समय की ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसा करती हूँ घूंघट करके बैठ जाती हूँ। नहीं यार, आजकल कौन करता है ये सब। ऐसा करती हूँ अपनी वो न्यू नाइटी पहन लेती हूँ, आज के लिए तो खरीदी थी मैंने। ऋतिक देखने भर से गर्म हो जाएंगे। आयशा नाइटी पहन लेती है और ऋतिक का इंतजार करती है। उसके आते ही वो रोमांटिक सा गाना गाते हुए उसको कहती है, आ जरा करीब से, जो पल मिले नसीब से जी लूं। वो आयशा, मैं आज मैं नहीं, सिर्फ हम। इस रात का तो इंतजार कब से था मुझे, अब देर मत करो। आयशा उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है, इतने में ऋतिक उसको हल्का सा धक्का देते हुए उससे कहता है, मैं अभी आता हूँ। ऋतिक कमरे से निकल जाता है, जिसकी वजह से आयशा थोड़ा चिढ़ जाती है और बोलती है, ये मेरे सारे सपनों पर पानी नहीं फेर सकते, अभी देखती हूँ कहाँ गए हैं और पकड़ के लाती हूँ। आयशा ऋतिक को देखने के लिए कमरे से निकलती है, तभी वो देखती है कि ऋतिक किसी लड़के के गले लगा हुआ है। वो थोड़ा सा पास जाती है तो उसको उनकी सारी बातें सुनाई देती है। तभी वो लड़का ऋतिक से बोलता है, जान तुमने शादी कर ली, अब हमारे रिश्ते का क्या होगा? अरे गुन्नू बेबी, तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर कोई सवाल ना उठाए, इसीलिए तो मैंने शादी की। आयशा जैसा चाहती है मैं वैसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? ये सब सुनकर बेचारी आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करो तो वही हमारी औकात से बाहर हो जाती है। बेचारी आयशा, उसका सुहागरात का सपना हमेशा के लिए ही बस सपना बनकर रह जाता है। गीता अपने पति मीतू के साथ अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। काफी सारे लोग पार्टी में उन्हें बधाइयां देने के लिए आए थे। तभी उसकी मेट गुन्नू आती है और उससे बोलती है, गीता मैडम, जानवी बेबी रो रही है। अच्छा मीतू, मैं अभी आती हूँ जानवी को लेकर, आप यहीं रहिए, ठीक है? ओके गीता। गीता अपनी बेटी को लेकर आती है, जो कि अभी 5 महीने की थी। वो उसे चुप करवा कर मीतू के पास ले जाती है। तभी मीतू उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, ओ मेरी प्याली बच्ची, लोई लोई नहीं करना, मम्मा डैडी यही है ना। जानवी बेबी, रोई रोई नहीं करते, देखो मम्मा क्या लेकर आई है आपके लिए। दोनों जानवी के साथ खेल ही रहे होते हैं कि तभी एक कंधे में फ्रैक्चर का बैंड लिए गीता का पहला पति प्रेम आ जाता है और जोर से दरवाजा खोलते हुए बोलता है, गीतू देखो मैं आ गया। प्रेम को देखते ही गीता और मीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस प्रेम को वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे, वो ऐसे अचानक वापस कैसे आ सकता है। तो वही प्रेम उन दोनों को एक साथ देखकर टूट जाता है और उनको देखकर ताली बजाते हुए बोलता है, ज्यादा देर कर दी मैंने, जो मुझे ये सिला मिला। प्रेम, तुम जिंदा हो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, आखिर कहाँ चले गए थे तुम मुझे और अपनी बेटी को छोड़कर। क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो अपनी अलग ही दुनिया बना ली हमें बेगाना बनाकर, तो ये झूठा दिखावा बंद करो। नहीं प्रेम, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि अगर तुम जिंदा थे तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि उस मिशन वाले दिन। आप सब जाइए, मैं आ जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करिए।
प्रेम जल्दी उस बॉम्ब को फेंक इससे पहले कि वो तेरे पास ही फटे। हाँ मैं इसे उस बॉर्डर पर फेंक कर आता हूँ, तुम सब जाओ, मेरी जान की फिक्र मत करो। इतना बोलकर प्रेम अपने हाथों में बॉम्ब लिए पाकिस्तान बॉर्डर को पार करता है और बॉम्ब का टाइमर खत्म होने लगता है। जैसे ही प्रेम उसे फेंकता है जोरों से बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिस वजह से प्रेम बेहोश हो जाता है और कुछ ही घंटों के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में पाता है। वो पाकिस्तानी मेजर उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसे हिंदुस्तान की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे टॉर्चर भी करते हैं। कभी वो प्रेम पर ठंडा पानी डालते, कभी उसे डंडे से मारते, यहाँ तक कि भूखा भी रखते थे और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते ही रहते थे, लेकिन प्रेम उन्हें कुछ नहीं बताता था। और यूं ही महीनों तक उसने उनके सारे टॉर्चर सहे थे और फिर एक दिन वो किसी तरह से खुद की जान बचाकर अपने देश हिंदुस्तान वापस पहुंचकर अपने जिंदा होने की रिपोर्ट करवाता है, साथ ही अपने हेडक्वार्टर्स और ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर देता है। और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया जिसके बाद मैं सीधा यहाँ तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने तो मेरा इंतजार ही नहीं किया। नहीं प्रेम, प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया सच में, लेकिन वक्त कुछ ऐसा आया कि मुझे मजबूरन मीतू से शादी करनी पड़ी। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। इतना कहकर प्रेम इस पार्टी से चला जाता है और गीता को जितनी खुशी प्रेम के जिंदा होने की थी उससे भी ज्यादा दुख उसे फिर से उससे दूर जाने का था। प्रेम मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, तुम्हें कैसे बताऊँ कि जब तुम्हारी मौत की खबर मिली थी तो मैं कितना टूट गई थी और मैंने किन हालातों में मीतू से शादी की ताकि हमारी बेटी को बाप का नाम मिल सके। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन गीता मार्केट में सब्जियां ले रही होती है कि तभी उसकी नज़र प्रेम पर पड़ती है। प्रेम एक जूस शॉप पर जूस पी रहा होता है और जल्दी से रोड क्रॉस करके गीता उसकी तरफ आ रही होती है कि सामने से एक कार आ जाती है जिससे उसकी टक्कर होने ही वाली होती है, लेकिन लास्ट मिनट पर प्रेम उसे देखकर बचा लेता है और कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, देख नहीं सकती थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पति का क्या होता? तो मर जाने देते ना, क्यों बचाया मुझे जब तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी। अरे सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब अपनी आंखों से देख लिया मैंने। लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, समझ गए तुम? लेकिन मैं तुमसे यहाँ कुछ नहीं कहूँगी, पहले तुम मेरे साथ चलो। प्रेम का हाथ पकड़ कर गीता उसे एक कैफे में ले जाती है और फिर उससे बोलती है, जब मुझे तुम्हारे मरने की खबर मिली तो मैं और पूरा परिवार पूरे तरीके से टूट चुका था। और तब घर में सभी लोग प्रेम की तस्वीर के आगे सफेद लिबास पहनकर बैठकर शोक मना रहे थे कि तभी गीता की सास मीना उसकी चूड़ियां तुड़वाने के लिए उसे बुलाती है और गीता रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मान सकती कि मेरा प्रेम कभी वापस नहीं आएगा। माँ जी आप झूठ बोल रही है, मत करवाइए मुझसे ये सब। बेटा अब प्रेम कभी वापस नहीं आएगा, स्वीकार कर ले इस बात को। प्रेम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे और तुम्हारे बच्चे को बहुत जरूरत है तुम्हारी। इतना कहते ही गीता को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसके घर वाले और उसका एक दोस्त मीतू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ ही देर के बाद गीता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं, मीना की तबीयत खराब होने लगती है और वो जल्दी ही बिस्तर पकड़ लेती है। इस तरह घर की सारी जिम्मेदारियां गीता पर आ जाती है। अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लिए गीता यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में निकल जाती है। मीतू को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो गीता की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है। लेकिन फिर भी मीतू एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी दोस्ती निभाता है, जिसके लिए वो उसकी बीमार सास मीना और उसकी नन्ही बच्ची का पूरा ख्याल रखता है। धीरे धीरे मीना की तबीयत सुधरने लगती है और एक दिन वो गीता से कहती है, गीता मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले मीतू के साथ। नहीं माँ जी, ये कैसे बातें कर रही हैं आप,
आप जानती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्यार करती हूँ। मैं मीतू के साथ नई जिंदगी कभी शुरू नहीं कर पाऊंगी। तू अपनी बच्ची के लिए दूसरी शादी कर ले बेटा, कल को वो बड़ी होगी, वो अपने बाप के बारे में तुझसे पूछेगी तो तू उसको क्या जवाब देगी। इसीलिए मेरी बात मान ले और दूसरी शादी कर ले। प्रेम की माँ अपनी बहू गीता को मीतू से शादी करने के लिए मना लेती है और दोनों की शादी करवा देती है। साथ ही अपनी सुहागरात पर गीता मीतू से बोलती है, मीतू मैंने भले ही तुमसे शादी कर ली है लेकिन ये शादी सिर्फ एक समझौता है ताकि मेरी बच्ची को उसके बाप का नाम मिल सके। इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करना, बस हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कोई बात नहीं गीता, मैं तुम्हें और तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैंने भी ये शादी बस तुम्हारी बच्ची के लिए की है, हमारे बीच में कभी कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं होगा। इसलिए मैंने मीतू से शादी की प्रेम, मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम सच कह रही हो गीता, हमारी बेटी का नाम क्या रखा तुमने? वही जो हमने मिलकर सोचा था, जानवी। जानवी, मेरी बेटी जानवी। गीता मुझे हमारी बेटी के पास ले चलो, मैं उसे अपनी गोद में लेना चाहता हूँ और उसके साथ खेलना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जानवी के पास ले चलती हूँ। ये सब बोलकर गीता उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और जानवी को उसकी गोद में दे देती है। प्रेम जैसे ही जानवी को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, जानवी बेटा देखो अब पापा के पास हो, अब पापा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, पापा आपको बहुत प्यार करेंगे। गीता देखो ये तो मुझ पर गई है बिल्कुल। इतने में वहाँ पर मीतू आ जाता है और प्रेम मीतू का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, मीतू मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना ही कम है, तुमने मेरे पीछे दोनों का बहुत ख्याल रखा है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मीतू वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है और कुछ ही दिनों में गीता को डाइवोर्स दे देता है, जिसके बाद प्रेम और गीता एक बार फिर से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। एक तेज रफ्तार से आती हुई कार एक बाइक सवार को टक्कर मार देती है और बाइक सवार खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग आकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। इस बाइक सवार का नाम प्रेम होता है। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है कि इसी बीच वो अपने बीते कुछ पलों को याद करता है और बीते पलों में वो अपनी बहन जीविका से कहता है, अरे बहन अब तो मिलवा दे उससे। मिलवा दूंगी भाई, तुम चिंता मत करो। प्रेम और जीविका दोनों भाई बहन होते हैं और जीविका अपनी कॉलेज की दोस्त पिया से आए दिन अपने भाई प्रेम की बातें किया ही करती थी और बातों बातों में पिया ने मन में ही प्रेम की एक छवि बना ली थी। ऐसे ही एक दिन दोनों दोस्त कॉलेज बंक करके कहीं घूमने जाती हैं, तभी जीविका बोलती है, वाओ ये जगह तो प्रेम भाई की फेवरेट है, वो हमेशा यहीं आया करते हैं। सच में क्या? अच्छा ये बता और क्या क्या पसंद है तेरे भाई को? अरे तू पूछना सब बताऊंगी। अच्छा बता तेरे भाई का फेवरेट कलर कौन सा है? उसे ब्लैक कलर पसंद है। और तुम दोनों भाई बहन में से लड़ाई कौन करता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो वो कुत्ता ही लड़ता है। ये अच्छी बात है। हाँ यार। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जीविका कॉलेज से घर जाते वक्त अपने लिए और प्रेम के लिए आइसक्रीम खरीद लेती है और घर जाकर अपने भाई के साथ आइसक्रीम शेयर करती है। साथ ही आइसक्रीम खाते खाते अपने भाई से बोलती है, ये वाला फ्लेवर तो पिया का फेवरेट फ्लेवर है। सच में मुझे भी देना खाने को, और क्या क्या चीज पसंद है उसको? अरे सब बता दूंगी पूछो ना। उसका फेवरेट कलर क्या है वैसे? रेड। नाइस। बातों ही बातों में प्रेम और पिया दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे ही एक दूसरे की छवि अपने मन में बना ली थी। ऐसे ही एक दिन जीविका अपने दोस्त पिया के साथ मॉल जाती है। दोनों वहाँ खूब सारी शॉपिंग करती है, तभी पिया की नज़र एक ब्लैक शर्ट पर पड़ती है और जीविका से वो बोलती है, यार वो देख कितनी मस्त ब्लैक कलर की शर्ट है, ये मैं प्रेम के लिए खरीद रही हूँ, मेरी तरफ से तू उसे दे दियो। वाह भाई प्रेम की दीवानी हो गई लड़की हमारी। अच्छा मैंने आज तक सिर्फ उसके बारे में सुना है, अब मुझे उससे बात करनी है, तू मुझे उसका फोन नंबर तो दे। अच्छा जी चल नोट कर। जीविका उसको प्रेम का नंबर दे देती है
फिर थोड़ी देर के बाद दोनों घर वापस लौटती है। घर जाकर पिया प्रेम को फोन करती है और बोलती है, हेलो प्रेम। हाँ जी, कौन? मैं पिया बोल रही हूँ। ओह हाय, कैसी हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बस सब बढ़िया, तुम्हारा दिया हुआ शर्ट ट्राई कर रहा था। सच में? दोनों इसी तरह कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जीविका बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रही होती है, जिस बस में बहुत भीड़ होती है उसके पीछे ही प्रेम भी खड़ा होता है। भीड़ होने की वजह से पिया प्रेम को बार बार धक्का लगता जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ऐसे में पिया गुस्से में उससे बोलती है, अरे बड़े ही बेशरम लड़के हो तुम तो। क्या मतलब है मैडम? ये मतलब एक बार गलती से धक्का लग जाता है चलो समझ आ गया, लेकिन तुम तो बार बार धक्का दिए जा रहे हो। ओ मैडम बस, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो ऐसी हरकत करूँगा। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल और नजरों से ही पता चल रहा है कि तुम किस टाइप के लड़के हो। ओ मैडम, जानती ही क्या हो मेरे बारे में आप, और आपके कह देने से मैंने आपको धक्का मारा है। क्या पता आप ये सब जानबूझकर बोल रही हैं, क्योंकि लड़कियों की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की। कितना बदतमीज है। जाने अनजाने में पिया और प्रेम की पहली मुलाकात हो जाती है, मगर अफसोस कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। ऐसे ही प्रेम घर आकर पिया को फोन करता है और उसे कहता है, हेलो क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मूड ऑफ है आज। पर क्यों? अरे कुछ नहीं, बस एक पागल लड़के से बहस हो गई मेरी। बस इतनी सी बात? अरे ये तो होता ही रहता है, मेरे साथ भी हुआ था, मगर मैं इग्नोर करता हूँ। और तुम उदास मत हुआ करो। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। सच? प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। कब मिलोगे ये बताओ बस। अब यार एक महीना रुक जाओ, तसल्ली से मिलूंगा। ओफो इतना लंबा इंतजार, तब तक तो मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस चली जाऊंगी। इस शहर में मैं अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। कोई नहीं पागल, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, अब खुश? ठीक है फिर। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगता है। एक दूसरे को बिना देखे उन दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था, मगर अब समय आ गया था पिया के घर जाने का। वो एयरपोर्ट जाती है और अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों के बाद प्रेम उसे फोन करके कहता है, हेलो पिया, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सच में प्रेम? हाँ पागल सच में। अच्छा सुनो ना, तुम ना वो ब्लैक शर्ट पहन के आना, मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखूँ ना तो उस ब्लैक शर्ट में देखूँ। अच्छा बाबा ठीक है। बस अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अगले दिन प्रेम अपनी बाइक लेकर पिया से मिलने के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में तेज रफ्तार से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे एडमिट करवाते हैं। पिया प्रेम को बार बार फोन करती है मगर उसका फोन ऑफ आता है, तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन तक वो प्रेम का इंतजार करती रहती है, मगर ना तो प्रेम का फोन आता है और ना ही उसका कोई मैसेज। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में ही प्रेम पिया को फोन करके बोलता है, हाँ पिया मेरी बात कर रही तुमसे। यार सॉरी मैं नहीं आ पाया। कम से कम बता तो सकते थे ना, तुम्हें पता है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। यार बताने लायक होता तब ना। क्यों? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। प्रेम की बातें सुनकर पिया रोने लगती है और उससे कहती है, प्रेम अब तुम कहीं नहीं आ रहे हो, मैं आऊंगी तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए। अरे मैं आ जाऊंगा मिलने, तुम टेंशन ना लो। मैंने कह दिया ना तुम नहीं आओगे, मैं आऊंगी इस बार। इतना बोलकर पिया फोन काट देती है और अगले ही दिन प्रेम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं, साथ ही उसकी बहन का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर्स बाहर आकर जीविका से बोलते हैं, सॉरी प्रेम अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही जीविका फूट फूट कर रोने लगती है, पर किसी तरह जीविका और उसकी फैमिली प्रेम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अगले दिन पिया जीविका को फोन करती है, फिर उससे बोलती है, जीविका प्रेम का फोन नहीं लग रहा है, मैं कब से मिला रही हूँ, कितने दिन हो गए, जरा मेरी उससे बात करवा देना, मैं उससे मिलने आ रही हूँ। तू जहाँ है वहीं रह जा, प्रेम अब तुझे कभी नहीं मिलेगा,
ऐसे मत बोल यार। हाँ यार, प्रेम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही पियार रोने लगती है और वहीं स्टेशन पर ही बैठ जाती है और रोते रोते बोलती है, आखिर मैं प्रेम की दीवानी बनकर रह गई ना। बोलो प्रेम, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा प्रेम, तुम्हारे बिना तुम्हारी पिया कैसे रहेगी? प्लीज वापस आ जाओ। कुछ समय के बाद जीविका घर वापस लौटती है तो वहीं पिया भी उससे मिलने के लिए आती है। पिया उससे प्रेम की तस्वीर मांगती है कि तभी जीविका उससे बोलती है, सॉरी पिया, मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि उसकी तस्वीर देख के मुझे उसकी याद आती थी, बस इसीलिए मैंने उसकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। पिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसके मन में प्रेम की जो छवि होती है वो उसी से ही हमेशा प्यार करती रहती है और जिंदगी भर के लिए प्रेम की दीवानी बनकर ही रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पिया और प्रेम की प्यार की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसने किसी से इतनी बेइंतहा मोहब्बत की हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।